दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। 40,000 में डबल डाई बिजनेस स्टार्ट करें, 40,000 में डबल डाई आ जाता है, 40,000 में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, इस तरह के आप लोग बहुत सारा पेपर प्लेट का वीडियो देखते होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं इसका सच बताने वाला हूँ कि आखिर ये क्या सच्चाई है 40,000 में बिजनेस स्टार्ट करने का, और 40,000 में क्या डबल डाई मशीन आता है, और आता है तो कौन सा डबल डाई मशीन है, और उसमें कितने तक डाई चलेगी, उसमें क्या मटेरियल लगता है, और सारा डिटेल जो है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। साथ ही साथ बताने वाला हूँ कि डबल डाई पेपर प्लेट मशीन स्टार्ट करने में आपको कितना पैसा लगेगा, कितना जगह लगेगा, कितना रॉ मटेरियल लगेगा, मशीन का प्राइस क्या होगा, ट्रांसपोर्टिंग क्या लगेगा, इंस्टॉलेशन प्लस ट्रेनिंग कैसे आपको मिलेगा, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की नॉलेजबल वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता रहूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजबल वीडियो को। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल 5 पॉइंट के माध्यम से जो है इस मशीन के बारे में सच्चाई बताऊंगा कि 40,000 में कौन सा मशीन आता है डबल डाई में, क्या सच है। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसमें है टाइप्स ऑफ डबल डाई मशीन। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मशीन डबल डाई जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट इन मशीन, कि आपको अगर डबल डाई प्रॉपर तरीके से लगाना है तो किस मशीन का क्या प्राइस है, और आप जो मशीन लगाइएगा तो आपके लिए कौन सा मशीन अच्छा होगा और कितने रुपए का वो आएगा, ये हम आपको दूसरे पॉइंट में बताएंगे। हमारा तीसरा पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल। इस पॉइंट में मैं आपको बताऊँगा कि रॉ मटेरियल में कितना इन्वेस्ट होगा, पैकिंग पन्नी में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, उसके बाद आपका जो है मशीन और रॉ मटेरियल तो आप खरीद लिए, इसके आगे आता है कि घर तक ले कैसे जाए, तो घर तक ले जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधा लेना पड़ेगा, तो इसमें ट्रांसपोर्टिंग आपका क्या लग जाएगा, कितना जो है मशीन का वजन होता है और किस प्रकार से ये ट्रांसपोर्ट होता है, साथ ही साथ इंस्टॉलेशन का क्या है कि आप मशीन ट्रांसपोर्ट के माध्यम से या गाड़ी के माध्यम से घर पे ले गए, घर पे ले जाने के बाद आप तो इस मशीन के बारे में बिल्कुल अजनबी है, तो इस मशीन को चालू करने का क्या प्रोसेस है, क्या ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस है, ये सारा डिटेल मैं आपको चौथे पॉइंट में बताऊँगा। हमारा जो लास्ट पॉइंट है, टोटल इन्वेस्ट डबल डाई मशीन को स्टार्ट करने में, बिजनेस को स्टार्ट करने में आपको टोटल इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, ये हम आपको पांचवें पॉइंट बताएंगे। दोस्तों जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि टाइप्स ऑफ डबल डाई मशीन, तो डबल डाई मशीन जो है सामान्यतः तो 3 प्रकार की होती है। जो फर्स्ट हमारा आता है वो साइड मोटर डबल डाई, सेकेंड जो आता है वो सेंटर मोटर डबल डाई, और जो थर्ड है वो है डबल डाई डबल मोटर। अब देखिए साइड मोटर डबल डाई क्या होता है, तो ये डबल डाई की वो मशीन है जिसमें मोटर और पुल्ली को एक साइड कर दिया जाता है और क्रेंक को एक दूसरे से जोड़ करके ऑपरेट कराया जाता है। जिस स्थिति में क्या होता है कि इस मशीन का जो है प्राइस कम होता है और कम पूंजी में ये मशीन तैयार हो जाता है, लेकिन जो लोग इस मशीन को लेकर बिजनेस करते हैं उनको थोड़ा जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशानी कहाँ आता है, जब वो एक डाई को बंद करना चाहते हैं और एक डाई को चलाना चाहते हैं, वो इस स्थिति में मशीन नहीं चला पाते, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ कि इसका क्रेंक जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इस मशीन का जो है प्राइस कम रहता है। नेक्स्ट जो है सेंटर मोटर डबल डाई। सेंटर मोटर डबल डाई कहने का ये हुआ कि इसमें जो मोटर लगा हुआ रहता है वो मोटर सेंटर यानी कि बीच में लगा हुआ रहता है, दोनों तरफ क्रेंक अलग अलग रहता है और अलग अलग क्रेंक अलग अलग पुल्ली से जुड़ा हुआ रहता है, जिसमें क्या है कि हमारा अगर अभी रोल कम है या एक डाई को हमें बंद करना है तो इसे हमें आसानी तरीके से हम इसको बंद कर सकते हैं। एक जो इसका फाइन बेल्ट आता है वो फाइन बेल्ट उतार करके उस तरफ के डाई को बंद करके दूसरे तरफ का जो डाई है उसे ऑपरेट करा सकते हैं। थर्ड जो है हमारा डबल डाई डबल मोटर। देखिए डबल डाई डबल मोटर क्या है कि ये समझ लीजिए कि दो सिंगल डाई के में बनाने में जितना पार्ट्स की आवश्यकता होती है सेम उतना ही इसमें लगता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको कि अगर डबल डाई डबल मोटर लेने का सोच रहे हैं तो डबल डाई डबल मोटर न लेकर आप दो सिंगल डाई ले लीजिए,
डबल डाई डबल मोटर में दोनों तरफ एक एक मोटर एक एक पुल्ली दिया हुआ रहता है, जिससे अगर दोनों को चलाना है तो दोनों मोटर को ऑन कर दीजिए और एक चलाना है तो एक मोटर को ऑन कर दीजिए। ये हमारा फर्स्ट था कि टाइप्स ऑफ मशीन, जो कि फर्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताया हूँ। देखिए हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो इन्वेस्टमेंट इन मशीन। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि डबल डाई पेपर प्लेट मेकिंग बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वो आप किस मशीन में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और किस मशीन को इन्वेस्टमेंट करने से आपको फ़ायदा होगा। तो देखिए इसमें मैं सबसे पहले मशीनों का प्राइस बताऊंगा। जैसे कि देखिए इसमें अगर आपको 0 से 8 इंच तक जो है डाई चलने वाला मशीन जो होता है वो आपको 40 से 45 हज़ार रुपये के रेंज में मिल जाता है। उसके बाद 0 से 10 इंच तक जो चलने वाला मशीन होता है वो आपको 55 हज़ार से लेकर के 60 हज़ार रुपये के रेंज में मिल जाता है। उसके बाद 0 से 14 इंच तक जो चलने वाला मशीन होता है वो आपको 65 हज़ार से लेके 70 हज़ार के रेंज में मिल जाता है। और जो लास्ट है कि 0 से 16 इंच तक डाई चलने वाला जो मशीन होता है वो आपको 75 हज़ार से लेके 80 हज़ार के रेंज में मिल जाता है। अब देखिए ओवरऑल एक बात की जाए तो सभी जगह आजकल थाली जो चलती है वो 13 से 14 इंच के रेंज में चलती है। उस हिसाब से जो है हमारा, जैसा कि मैं बताया हूँ कि स्टार्टिंग 0 यानी छोटा दोना से होता है, तो हमारा 65 हज़ार वाला मशीन अगर सेंटर मोटर में ले रहे हैं तो ये जो है बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें 14 इंच तक बन जाता है और नॉर्मल सा पूंजी इसमें लग रहा है 65 हज़ार। अब ये 65 हज़ार तो मशीन का प्राइस हो गया, इसमें आपको 2 डाई इसमें मिल जाती है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे आपको कटोरी का डाई मिल गया, होटल में जो नाश्ता प्लेट चलता है उसका डाई मिल गया, तो अब भोजन थाली की डाई की आवश्यकता होगा। तो भोजन थाली का डाई अगर अलग से परचेज करते हैं तो अलग अलग डिज़ाइनों की डाई आती है, तो मैं अप्रोक्स में इसके लिए 9 हज़ार रुपये जो है ऐड कर देता हूँ। उस हिसाब से 74 हज़ार रुपये के इन्वेस्ट आपका मशीन में लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल। देखिए रॉ मटेरियल में क्या इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, तो देखिए रॉ मटेरियल आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकते हैं अपने पूंजी के अनुसार, लेकिन स्टार्टिंग के लिए रॉ मटेरियल की बात की जाए तो हमारे पास एक प्रसाद वाली डाई है जो 6 इंच की है, एक नाश्ता प्लेट की डाई है जो 7 इंच की है, और एक भोजन थाली की डाई है जो 13 इंच की है। ऐसे तो डाई बहुत प्रकार की आती है, लेकिन स्टार्टिंग में जो मार्केट में चल रहा है, क्योंकि कम पूंजी से स्टार्ट करना है बिजनेस, तो कम पूंजी के अनुसार ही मैं आपको बताऊंगा। इन तीनों को अगर 6 इंच के लिए हम 25 kg का एक रोल ले लें, 7 इंच का एक 25 kg का रोल ले लें, 13 इंच के लिए अनुसार इच्छा अनुसार 50 kg का रोल ले लें। ओवरऑल ये 10 kg बढ़ सकता है घट सकता है, क्योंकि रोल जो है वो तोलने के ऊपर डिपेंड होता है, मैं अप्रॉक्स में आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारा 100 kg आ रहा है, 100 kg को अगर हम 60 से गुना करते हैं, क्योंकि रॉ मेटेरियल का रेट ऊपर नीचे होते रहता है, मैं जिस वक्त वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी के रेट के अनुसार बता रहा हूँ, हो सकता है 65 रुपये भी हो सकता है, 55 रुपये भी हो सकता है, तो आप अपने अनुसार देख लीजिए। तो अगर इस हिसाब से अगर 60 रुपये के हिसाब से रॉ मेटेरियल में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो 6 हज़ार रुपया उसका हुआ। पैकिंग पन्नी की बात की जाए तो 500 रुपये हम पैकिंग पन्नी का भी इसमें डाल देते हैं। उस हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल है वो हमारा 6500 रुपये के रेंज में आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट इन इंस्टॉलेशन एंड ट्रांसपोर्ट। देखिए मशीन में इन्वेस्ट कर लिए, मशीन को खरीद लिए, रॉ मटेरियल भी इन्वेस्ट कर लिए, रॉ मटेरियल भी खरीद लिए, अब हमें फैक्ट्री से जाना है घर पर, और घर पे क्या करना है, मशीन को इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करके घर पे ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी, और जब घर पर पहुंच जाएगा तो हमें उसको चालू करना है यानी ट्रेनिंग लेना है, इंस्टॉलेशन कराना है, तो इस बीच में क्या खर्चा आएगा। तो देखिए ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो ओवरऑल पूरे इंडिया में कहीं भी अगर आप मशीन ले जाते तो 5 से 6 रुपये kg कोई भी ट्रांसपोर्ट वाला लेता है। 500 kg 600 kg के करीब में अगर हमारा जो है मशीन आता है तो उस हिसाब से 6×5 30 यानी 3000 रुपए के करीब में ट्रांसपोर्ट हम लग जाएगा। और जिस कंपनी का मैं नाम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ वहाँ से जो है अगर कोई मशीन आप परचेज करते हैं तो फर्स्ट टाइम जो है इसका इंस्टॉलेशन और ट्रेनिंग जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो उसमें आपको किसी भी प्रकार का जो है
रुपये नहीं लगेगा। अलग अलग कंपनी का अलग अलग जो है रूल होता है, इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जानकारी ले लीजिए, तभी उस बिजनेस को आप स्टार्ट कीजिए। तो हमारा इसमें ओवरऑल सिर्फ ट्रांसपोर्ट का पैसा लगेगा, तो ट्रांसपोर्ट हमारा 3,000 रुपये इसमें लग जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है टोटल इन्वेस्टमेंट इन स्टार्ट बिजनेस, यानी कि उस वक्त से हम जोड़ रहे थे कि जो हमारा रॉ मटेरियल का इन्वेस्ट है, मशीन का इन्वेस्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट का इन्वेस्टमेंट है, तो ये हमारा टोटल जो है घर तक पहुंच कर क्या इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो जैसे कि मशीन में जो है हमारा 74,000 रुपये लग रहा है, उसके बाद इसमें ट्रांसपोर्टेशन का मैंने 3,000 रुपये बताया था, उसके बाद रॉ मटेरियल जो है वो 6,500 का आता है। तो ये तीनों को अगर जोड़ा जाए तो ये 82-83 के करीब में आ रहा है। ओवरऑल इसमें बिजली इलेक्ट्रिसिटी खर्च ये सब अगर जोड़ के बात किया जाए तो आप 85,000 यानी कि 85,000 रुपये से इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि 40,000 रुपये से जो है डबल डाई मशीन स्टार्ट हो जाती है, 40,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें क्या सच्चाई है आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में इसी तरह की नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।